टू जेड का मतलब समाज के सारे तबकों की हिस्सेदारी, आर्थिक हिस्सेदारी पर तय करिएगा तब कैसे होगा। नीतीश जी तो फैसला करके हर घर बिजली पहुंचा दिए, फैसला नहीं कर पाए। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को लीडिंग स्टेट बनाया, फॉलोअर स्टेट नहीं है। हमारे यहाँ न धन बल वाले जाते हैं न बाहुबल वाले जाते हैं, उच्च सदन की भूमिका जो है वह प्रभावी रहे। राजद ने कल राज्यसभा को लेकर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया, नामांकन भी दर्ज हो गया, लेकिन बिहार में राजद का एक बार फिर से MY समीकरण देखने को मिला। सुशील कुमार मोदी ने भी इस पर हमला बोला है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, राजद A to Z की बात करती है लेकिन फिर MY पर आ गई। नहीं, MY के साथ साथ फैमिली ऑफ फाइनेंस FF फाइनेंशियली भी मजबूत रही है, इसे थोड़ी चले जाएगा उस सदन में। इनकम टैक्स का अच्छा पे ही होइएगा, ये बहुत ही आवश्यक है। और ये तो राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है, लेकिन जब उन्होंने टिप्पणी जनता दलियों में कर दी तो बातें तो दूर तक जाएंगी। अरे जनता दलियों से सीखिए कि अनिल हेगड़े कर्नाटक के रहने वाले, जहाँ मेरी पार्टी की नगण्यतम स्थिति है, जाति के नाम पर राज्यसभा नहीं भेजा, वोट का हथियार उसको नहीं माना, एक समाजवादी पृष्ठभूमि का कार्यकर्ता जो गैट समझौते के खिलाफ 4000 से ज़्यादा दिनों तक पार्लियामेंट के सामने अपनी गिरफ्तारी देते रहा, वैसे जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोगी को जनता दलियों ने, जो 12 वर्ष से जनता दलियों के कमरे में, कार्यालय के कमरे में रहता है, उस व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा। और आपका चरित्र क्या है? वो लिफाफा एगो देखे सुने थे, मीडिया में न्यूज आया था कि संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें नेता प्रतिपक्ष नहीं थे और लिफाफा था, तो लिफाफा में क्या था जो जनता राजद के प्रदेश अध्यक्ष जी लिफाफा लेकर गए थे? उस लिफाफे का राज तो बताइए, उस लिफाफे में किनका नाम था? वो लिफाफा राज्यसभा के चुनाव के लिए वो बैठक हुई थी, तो उस लिफाफा का अनुसरण हुआ कि नहीं? उस लिफाफा में लिखा हुआ था कि FF पर ध्यान दीजिएगा, फैमिली फाइनेंस, ये दोनों पर ध्यान दीजिएगा, यही था प्रस्ताव पारित हुआ था क्या? इसलिए जो संसदीय बोर्ड के माननीय सदस्य हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से बैठक में भाग लिया, वह खुलासा करिए कि क्या जो दोनों लोगों के राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल ने नामित किया है, क्या उन्हीं का नाम था या ब्लैंक चेक दे दिया, पॉलिटिकल चेक की जब मर्जी करे दस्तखत कर दीजिए। कहा यह जा रहा है कि जो शहाबुद्दीन समर्थक हैं काफ़ी नाराज चल रहे हैं, सिवान से कई लोगों की तस्वीरें आई हैं, पार्टी छोड़ने तक की बात कह दी है हरिशंकर यादव ने। अब देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है भाई, यहाँ पर तो धन बल और बाहुबल, A to Z किसको कहते हैं? A to Z का मतलब समाज के सारे तबकों की हिस्सेदारी, तो आर्थिक हिस्सेदारी पर तय करिएगा तब कैसे होगा। भाई गरीब को मौका दीजिए ना, हर सामाजिक समूह में गरीब आदमी है, तो जो 10 करोड़ 50 करोड़ का आदमी रहेगा वही जाएगा राज्यसभा विधान परिषद, हम लोग जैसे आदमी तबला मृदंग बजाते रहेगा, हमको भी एक वोट देने का अधिकार है, दूसरे को भी है। लेकिन ये धन बल का जो बढ़ता हुआ प्रकोप है, मैं इसको कहता हूँ राजनीति में घातक प्रकोप है, ये एक लोकतंत्र की नई चुनौती है। और नई चुनौती इस रूप में है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो मताधिकार का हमको अधिकार दिया है, उस धन के बदौलत हमारे वोट के अधिकार को छीनने का एक असाधारण खतरनाक प्रयास हो रहा है। पूर्व मंत्री का ये दावा है कि जदयू के अंदर जो लड़ाई है उसको लेकर नीतीश जी अभी तक फैसला नहीं कर पाए हैं कि कौन राज्यसभा जाएगा। अरे नीतीश जी तो फैसला करके हर घर बिजली पहुंचा दिए, फैसला नहीं कर पाएंगे। नीतीश जी का फैसला तो ऐसा होता है कि देश और दुनिया परेशान है, देश की राजनीति में हलचल मचा दिए माननीय नीतीश कुमार जी ने, फैसला का तो नहीं। हमारा फैसला तो ऐसा है कि देश उसको स्वीकार करता है। अरे हमारा फैसला स्वीकार किया ना भाई, जैसे हम साइकिल दिए तो देश का दूसरा राज्य भी साइकिल दे रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर विचार कर रहा है, तो कहीं सुने कि चरवाहा विद्यालय जो बिहार में खुला था उत्तराखंड में भी खुल रहा है, गुजरात में भी खुल रहा है। अरे बिहार, माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को लीडिंग स्टेट बनाया, फॉलोअर स्टेट नहीं है। फैसला तो ऐसा लेते हैं कि जिससे लोग हतप्रभ हो जाते हैं,
जो उम्मीद भी नहीं करते वह उम्मीद हो जाती है। अनिल हेगड़े तो उसके साक्षात उदाहरण है। और अभी चुनाव का नॉमिनेशन 31 तारीख को है, सोमवार भी है, मंगलवार भी है, कार्यालय दिवस भी है, चिंता मुक्त रहिए। हमारे यहाँ न धन बल वाले जाते हैं न बाहुबल वाले जाते हैं, उच्च सदन की भूमिका जो है वह प्रभावी रहेगा। पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे। अब ये तो जब मुख्यमंत्री जी अधिकृत हो गए तो हम तो पार्टी के प्रवक्ता है गो। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेने का अधिकार दे दिया तो जो भी होगा वो शानदार होगा, जानदार होगा, गौरतलब होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, हीना साहब जदयू में शामिल हो रही हैं, खबर आ रही है, आपको जानकारी? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है, इस सब के बारे में हमको कोई अधिकार भी नहीं है। पार्टी में कौन आएगा कौन जाएगा इस सब का न एंट्री पॉइंट पर हम खड़ा है न हम एग्जीक्यूशन में है कहीं खड़ा। बात अगर आने की कोशिश करते हैं स्वागत आप करिएगा। ये सब देखिए, ये सब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार प्राप्त है ना, पार्टी का हमको क्या अधिकार प्राप्त है कि कौन पार्टी ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, ये सब मेरे अधिकार में नहीं है। नीरज कुमार थे जिन्होंने साफ किया है कि 31 तारीख तक तारीख है और नामांकन दर्ज होने के लिए अभी 2-3 दिनों का समय है, फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जरूर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।